अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलू की शामियाँ, आलू की टिक्कियाँ। रात का टाइम है तो मैंने कहा थोड़ा सा चस्का प्रोग्राम हो जाए। ये साथ मैंने एग रखा हुआ है कोली में मेल्ट करके, और ये हैं जी शामियाँ। रायता मैंने अंदर भेजा है, वो भी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा टेबल पर लगा रहे हैं अंदर। और सुनाएं आप लोग कैसे हैं। आप लोगों के घरों में आज क्या क्या बनाया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम साथ में गरम गरम इनकी खुशबू का तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ये देखिए जी मज़ेदार आलू की टिक्कियाँ। अब मैं ऐसे मैं साथ साथ लगाती जाती हूँ साइड पे और नई टिक्कियाँ ऐड करती रहती हूँ। ये देखिए जी अब जो तवे के इनको लग रहा है हल्का हल्का, तो मैं अब इसको वाश करूँगी तवे को, जो तीन शामियाँ उतार के, ताकि नेक्स्ट जो डालूँगी वो तो इससे अच्छी तरह बन जाए। तवे पे या पैन में फ्राई कर करके ना रैंडम इस तरह का पता नहीं क्यों हो जाता, तो मैं इनको उतार के तो वाश करती हूँ। तवा बिल्कुल नीट हो जाएगा दोबारा से, न्यू घी डाल के दोबारा से अच्छी तरह से ये हो जाएंगी। ये अभी मैंने फ्राई करके रखी हैं तो ये अंदर भेजते हैं। और आप बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कमेंट्स में बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो ये मेरा भांजा पीछे से रो रहा है ज़ोर ज़ोर से कि मैंने मोबाइल लेना। बच्चों के सारा दिन बस ही नहीं होती ना मोबाइल से। तो ये देखें मैं दिखाती हूँ आपको, तवा ऊपर पानी गिराती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में कोई लगा था, मैंने हाथ भी अपनी अच्छी तरह से दोबारा मल लिया। और ये देखिए अच्छी तरह से इसको पानी के साथ वॉश करके दोबारा रखती हूँ इसको चूल्हे पे। ये देखिए ये देखें ये जी हमने रायता भी बना लिया है, टेबल सजा दिया है। ये राफिया खा रही है मज़ेदार सा अपना डिनर एंजॉय कर रही है। तो दिखाती हूँ अब आपको मैं बाहर, तवा गर्म हो गया होगा तो चलते हैं जी चूल्हे की तरफ। तो तवे को दोबारा ऑयलिंग में करती हूँ। तो पहले इसकी आँच तेज़ थी, तवा काफ़ी गर्म था, रोटियाँ बनी थी, मैंने इसकी आँच से दरमियानी से रखूँगी ताकि चले ना ये। ये देखें जी अब मैं डाल दी हैं दोबारा से, हल्की हल्की आंच पे ये होंगी फ्राई। कुछ दिन पहले बनाई थी चिकन की शामियाँ, तो आज मैंने कहा बनाते हैं आलू की शामियाँ। तो मुझे समोसे भी ज़्यादा आलू वाले ही पसंद है, चिकन के पता नहीं मुझे क्यों ज़्यादा समोसे भी नहीं पसंद। आलू की फ्रेश फ्रेश चीज़ बनाना तो बहुत जायका होता है उसका, बहुत मज़ा आता है आलू की तरह। मेरे भी लोग काफ़ी लेट लेट आ रहे हैं, उसमें नागे हो जाते हैं, बस कुछ घर की टेंशन की वजह से बिजी लाइफ है, पता ही नहीं चलता। कोशिश तो पूरी करती हूँ कि रोज़ाना एक भी लोग ऐड किया करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। अब्दुलरहमान रात के हो रहे हैं जी पेपर, वो बिजी हैं अपने पेपर देने में। तो पहले उनके साथ थोड़ी बहुत वीडियो बनाती थी, शॉर्ट्स वगैरह बनाती थी, बच्चे बिजी हैं, मैंने कहा नहीं तंग करना इन्हें, वो अच्छे तरीके से अपने पेपर दे लें। तो जी साथ साथ दिखाते हैं आपको। ये देखें जी राफिया खा रही है जी आलू की शामी, अब्दुलरहमान भी कह रहा आंटी जल्दी से मुझे दे दें। तो देखते हैं जी कहाँ तक पहुँची।
ये देखें दरमियान वाली मैं उतार लूँगी, ये जल्दी जल्दी हो रही है, आपको पता है कि दरमियान से ज़रा सेक ज़्यादा लगता है, इनको हीट ज़्यादा होती है दरमियान से। तो ये देखिए तो जल हो गई है ज़रा बेचारी। चलो इसको साइड पर करते हैं, इसकी तरफ आते हैं। ये मैंने एंड भी ऐड की थी आलू, ये और ये वाली तो जी ये देखिए उतार ली है। चूल्हा बनता तो तवा काफ़ी गर्म है, तो अभी जैसे एक नहीं हो जाएंगे। बेसन वाली भी आलू की टिक्की बन जाती है। मैं पहले बेसन वाली बना लगी थी, फिर सारे कह रहे नहीं रात का टाइम आप सिर्फ अंडे वाली बना लें, तो किसी दिन वो भी बना ली भी शामी, ज़रूर आपसे शेयर करेंगे वो भी। तो फिलहाल तो बनी है एग वाली शामी, आई होप कि सबको पसंद आ जाए और आपको भी देखने में अच्छी लगी होगी इंशाल्लाह। ये बेचारी थोड़ी सी डैमेज हो गई है। ओहो अंडा रह गया, मैंने एग फ्राई कर ली, इस पर थोड़ा सा एग बचा है। थोड़ा सा अंडा बच गया तो मैंने कहा चलें जी इसे भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। ये देखें जी ये डाल दिया है इसमें। तो जी मैं आपसे डेली रूटीन शेयर करती हूँ, जो भी बनाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, जो भी करती हूँ ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन आप कमेंट्स में मुझे बिल्कुल नहीं बताते कि आपको कैसे लग रहे हैं, और आप लोग देखते भी कम हैं, मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे इतने। तो काइंडली मुझे आप सपोर्ट करें, देखा करें, ताकि मेरे व्यूज़ भी ज़्यादा हों, और मुझे सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ आपके लिए, एक हाथ से मैं काम कर रही होती हूँ और एक हाथ से वीडियोस बना रही होती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट किया करें ताकि मैं इसी तरह और मेहनत करूँ। तो बताइए, ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।